स्टूडेंट्स, आज हम कक्षा साथी विषय हिंदी व्याकरण उपविषय पाठ नंबर 13 विशेषण, जो हमने कल रीड किया था, आज इसी लेसन के हम क्वेश्चन आंसर और बुक एक्सरसाइज करेंगे। पहले करेंगे क्वेश्चन आंसर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विशेषण किसे कहते हैं? सोधार्ण स्पष्टी, जो सब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे वह लड़का अच्छा खिलाड़ी है। जो सब संज्ञा या सर्वनाम शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकेंड, विशेषण किसे कहते हैं? जो सब जो विशेषण सब जिस शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जो विशेषण सब जिन शब्दों की विशेषता बताते हैं उन्हें विशेषण कहते हैं। जैसे हरी मिर्च। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पद विशेषण किसे कहते हैं? आंसर, जो सब विशेषण की विशेषता बताते हैं उन्हें पद विशेषण कहते हैं। जैसे आम बहुत मीठा है। क्वेश्चन नंबर फोर, विशेषण के कितने भेद होते हैं? उनके नाम भी लिखिए। आंसर, विशेषण के चार भेद होते हैं। फर्स्ट गुणवाचक, सेकंड संख्यावाचक, थर्ड परिमाणवाचक, फोर्थ सार्वनामिक और संकेतवाचक। क्वेश्चन नंबर फाइव, सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषणों में अंतर बताइए। सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषणों में अंतर बताइए। आंसर, सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण संज्ञा शब्द से पहले लगाकर संज्ञा की ओर संकेत करते हैं। सर्वनाम किसी संज्ञा शब्द के स्थान पर प्रयोग होते हैं, जबकि सार्वनामिक विशेषण संख्या सबसे पहले लगकर संख्या की ओर संकेत करते। क्वेश्चन नंबर सिक्स, संख्यावाचक और परिमाणवाचक की नाम यानी की मान यानी की नाम करते हैं। सॉरी, परिमाणवाचक विशेषणों में अंतर स्पष्ट कीजिए। आंसर, संख्यावाचक विशेषण जो विशेषण सब संख्या या सर्वनाम की संख्या का बोध कराते हैं उन्हें संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। नंबर सेकंड, परिमाणवाचक विशेषण जो विशेषण शब्दों से संख्या या सर्वनाम शब्दों के माप और तोल का पता चलता है उसे परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन। बेटा अब है हमारा क्वेश्चन नंबर सेवन, तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं उनके नाम बताइए। कि जो तुलना है, तुलना की दृष्टि से विशेषण की कितनी अवस्थाएं हैं? तुलना की दृष्टि से विशेषण की तीन अवस्थाएं हैं। पहली कौन सी है? मूलावस्था। दूसरी कौन सी है? उत्तरावस्था। और तीसरी उत्तमावस्था। मूलावस्था में क्या होता है? किसी एक व्यक्ति एक स्थान के बारे में बताते हैं। उत्तरावस्था में किसी दो व्यक्तियों की तुलना की जाती है। उत्तमावस्था में दो से अधिक की तुलना की जाती है, लेकिन एक को सुपीरियर बताया जाता है, सबसे अच्छा बताया जाता है। ठीक है, तो बेटा अब है हमारा क्वेश्चन नंबर एट। तो बेटा अब है हमारा क्वेश्चन नंबर एट, विशेषण की मूलावस्था की परिभाषा स्पष्ट कीजिए। कि जो विशेषण की मूलावस्था है, जो सबसे पहली अवस्था है, उसके बारे में हमने बताना है। आंसर, मूलावस्था में किसी विशेषता को सामान्य रूप से बताया जाता है।
मूला अवस्था में किसी किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान की मूला अवस्था में किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान की विशेषता को सामान्य रूप से बताया जाता है, किसी अन्य से तुलना नहीं की जा सकती है, जैसे राम गोरा है। एक बार और रिपीट कर देते हूँ। मूला अवस्था में किसी व्यक्ति वस्तु और स्थान की विशेषता को सामान्य रूप से बताया जाता है, किसी अन्य से तुलना नहीं की जा सकती है, जैसे राम गोरा है। क्वेश्चन नंबर 9, विशेषण की उत्तरावस्था और उत्तमावस्था में अंतर स्पष्ट कीजिए कि उत्तरावस्था और उत्तमावस्था क्या क्या है। आंसर, उत्तरावस्था इसमें दो व्यक्तियों वस्तुओं और स्थानों की तुलना की जाती है। मूलावस्था में क्या थी, किसी एक व्यक्ति वस्तु स्थान की तुलना की जाती थी। इसमें क्या है, दो व्यक्तियों वस्तुओं और स्थानों की तुलना की जाती है, ठीक है। जैसे राम श्याम से मोटा है, दो व्यक्ति है ना इसमें, एक राम और दूसरा श्याम, दोनों की तुलना की गई है। अब है उत्तमावस्था, इसमें दो से अधिक व्यक्तियों वस्तुओं और स्थानों की तुलना करके किसी एक को अच्छा या बुरा बताया जाता है। इसमें बताया जाता है कि एक व्यक्ति अच्छा है, अगर हमारी कक्षा में 40 स्टूडेंट्स हैं, तो उनमें से हम अगर किसी एक को बताएंगे कि जो पारस नाम का लड़का है वो सबसे अच्छा है, तो वो हमारी कौन सी अवस्था होगी, उत्तमावस्था। अगर दो की तुलना में से दो की तुलना आपस में करेंगे तो उत्तरावस्था होगी, अगर किसी की किसी के साथ नहीं करेंगे तो वो क्या होगी, मूलावस्था। तो बेटा ये है आपके क्वेश्चन आंसर, इनको आपने फिर नोटबुक में राइट करना है और लर्न करना है, ठीक है।